And we have some breaking news coming in. Delhi Environment Minister Gopal Rai shares an update on the government action plan against pollution. Let's listen in. जब बारिश हुई उसके बाद कुछ राहत दिखी थी, लेकिन अब फिर से सीवियर कैटेगरी में EQI पहुंच गया, 361 अभी EQI है। दिवाली के दिन भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी दिखी थी, अब उससे कुछ ज़्यादा स्थिति गंभीर होती दिख रही है। देखिए, ये पहले से ये इस बात की आशंका थी कि दिवाली के बाद हवा की गति जो है वो कम होगी, और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दिल्ली में जो दिवाली से पहले बारिश और हवा की गति बढ़ने से जो प्रदूषण के कणों का स्टोरेज था वो टूटा था, वो बिखर गए थे, स्मॉग में जो है बिखराव देखा गया था। लेकिन ये आशंका थी कि अगर दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो वो केवल दिवाली के दिन की बात नहीं थी, वो फिर अगर हवा की गति नहीं होती है तो स्टोरेज हो जाएंगे और फिर वो स्मॉग की स्थिति बनेगी, और जैसी आशंका थी उसके अनुसार ही वो जो पटाखे जलाए गए धुएँ हुए और वो अब एक स्मॉग की स्थिति जो है बनी हुई है, और उसके कारण जो है कल रात में भी जो है कुछ पटाखे जलाए गए, उसने फिर उसको और बढ़ा दिया है, और आज जो स्थिति है वो कल के मुकाबले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है जी। लेकिन जो आप कल पटाखों को लेकर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी के कई नेताओं का उस पर बयान आया, कपिल मिश्रा ने तरह से उसे लेकर लोगों को बधाई दी कि पटाखे जले, अपनी संस्कृति के साथ दिवाली मनाई। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग दिवाली को इस तरह पटाखे को प्रतिबंधित करना चाहते हैं वो दिवाली नहीं चाहते कि लोग मनाए सनातन के खिलाफ। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देखे और वो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग लॉजिक से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कोई त्यौहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फुड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था, ना सनातन का मसला था, कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहाँ से आए? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, बधाई दे रहे हो पटाखे फोड़ने पर, तो आप रुकवाओगे तो नहीं? इसके मतलब तो साफ दिख रहा है कि आप चाहते थे कि पटाखे फोड़े जाएँ और दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जहर घोला जाए। एक नेता ने कहा कि 10 दिन पहले जो पोल्यूशन था उससे तो कम ही था, मतलब 10 दिन पहले पोल्यूशन था इसलिए आप जानबूझ के पोल्यूशन फिर पैदा करोगे आप। एक नेता ने कहा कि दिल्ली के अंदर इन्वायरमेंटल सेस का पैसा बचा हुआ है, तो इन्वायरमेंटल सेस का पैसा अगर बचा हुआ है तो इसके लिए पटाखे फोड़ने के लिए जो है आपको इजाजत मिल जाती है दिल्ली के लोगों में जहर घोलने की। भाई, बारिश हुई और दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम था, लगभग 200 के आसपास था, आपको क्या मिल गया इससे? और कल कौन सा त्यौहार था जो पटाखे फोड़वाए गए? कल तो कोई त्यौहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फोड़वाए गए? आपने कल कहा कि अब जो तरह से सर्दी भी बढ़ रही है और तापमान में गिरावट है, तो जो पोल्यूटेंट अभी वातावरण में वो बने रहेंगे, इसलिए अपने सोर्सेज को कम करेंगे, उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि और प्रदूषण के जो कारक हैं उनके कारण प्रदूषण न पैदा हो? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो हमने कल निर्णय लिया था कि ग्रैप खोर के जो नियम है, कुल मिलाकर के जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.